सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। भावनाएं ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगती सिवाय वक्त और इज्जत की। अपने आप को विकसित करें। याद रखें गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। आज का पंचांग 1 मई 2024 दिन बुधवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि सुबह 4:01 तक रहेगी। इसके उपरांत 9वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र सुबह 3:11 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:23 से 2 बजे तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। मकर राशि 1 मई 2024 दिन बुधवार, आपके लिए समय कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज आप महसूस करेंगे कि खोई हुई ऊर्जा आपको फिर से मिल गई है। सब कुछ मुमकिन है, बस खुद पर विश्वास करें। जब तक आप अपनी समस्याओं व कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं व कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आज आप धन संबंधित योजनाएं बनाएंगे, किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। अपनी पारिवारिक समस्याओं को मिल बैठ कर सुलझाएं, नहीं तो इससे आपसे रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी की बातों में आकर कोई निवेश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इससे उन्हें बाद में परेशानी हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ किसी अन्य कोर्स के प्रति भी रुचि जागृत हो सकती है। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े नेता से मिलने का भी मौका मिलेगा। आप किसी को धन उधार भी दे सकती हैं। आज पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से भी राहत मिल सकती है और अपने कामों में भी ध्यान दे पाएंगे। सोसाइटी में या सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों के एडमिशन को लेकर चल रही समस्या का समाधान भी मिल सकता है। काम की गति अचानक तेज होने से तनाव होगा, लेकिन आप अपेक्षा से कई गुना ज्यादा काम और टारगेट हासिल कर पाएंगे। इसीलिए वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए कठिन कामों को पूरा करने की कोशिश करें। व्यक्तिगत जीवन में सुधार आ सकता है। परिवार में किसी व्यक्ति के साथ मिलकर काम की शुरुआत भी हो सकती है। रिलेशनशिप के बारे में गहराई से विचार करते हुए निर्णय लेना होगा। सावधानियां, कुछ समय आज आत्मचिंतन और मनन में लगाएं। इससे अपने अंदर चल रहे कई सवालों का जवाब मिल जाएगा। साथ ही अपने वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन और सलाह को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। जिम्मेदारियां भी आज बनी रहेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप उत्तेजित और जोशीला महसूस कर रहे हैं। आज का पूरा दिन उत्साह, कामुकता और प्रेरणा से भरपूर है। अपने मनोभाव और विचारों को अपने साथी तक पहुंचाने के लिए अच्छा समय है। खुद में विश्वास जरूर रखें और अपने रिश्ते में दूसरे लोगों को हस्तक्षेप बिल्कुल करने ना दें, बल्कि आप दोनों स्वयं अपने निर्णय लें। बात करते हैं करियर की। अलग सोचें और जुनून के साथ अपने करियर में आगे बढ़ें। आज आप में नए कौशल सीखने और उनमें निपुण होने की तीव्र इच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सामाजिक दायरा बढ़ा और आप शिकायतें ना करने की कोशिश करें, जो है उसको अपनाएं। काम संबंधित आंतरिक व्यवस्था में सुधार आपके लिए स्थिति को बेहतर कर सकता है। आज काम से संबंधित प्रचार प्रसार करना, व्यापार का अधिक से अधिक प्रचार करना जरूरी है। बात करते हैं सेहत की। अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें। अगर आपको पहले बीमारी थी तो वह फिर से उभर सकती है और आपको परेशान कर सकती है। बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। आज लो बीपी और शुगर के कारण भी आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें। हरी मूंग और हरे कपड़े का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ती रहें। आपका दिन शुभ हो।